हैवी रेनफॉल होने का संभावना है, वो आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश रहेगी। सौराष्ट्र कच्छ में भी अगले तीन दिन में हैवी रेन होने का संभावना है, आइसोलेटेड हैवी टू वेरी भी आज रहेगी, कल परसों ओनली हैवी रेनफॉल कहीं कहीं जगह में होने का संभावना है। कौन सी सिस्टम है? अभी फिलहाल मानसून ट्रफ अभी काफी गुजरात का ऊपर पास हो रही है और सर्कुलेशन भी है, उसकी वजह से अभी पूरा गुजरात को बारिश मिलेगी। अच्छा, और आने वाले दिनों में कैसा? अभी फिर और एक लो प्रेशर बनने का संभावना है 4 अगस्त को, उसका भी असर हमारा पर आएगा। वो 4 अगस्त का बाद 2-3 दिन का बाद फिर भी गुजरात को अच्छी खासी बारिश मिलने का संभावना है। अभी फिलहाल मच्छरों के लिए भी वार्निंग दिया गया है अगले 5 दिन के लिए, पूरी गुजरात कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट के लिए, गोवा कोस्ट के लिए वार्निंग दिया गया है फिशरमैन के लिए, और नॉर्थ अरबियन सी, सेंट्रल अरबियन सी, साउथ वेस्ट अरबियन सी में भी विंड स्ट्रॉन्ग रहेगी, 40-50 किलोमीटर पर आवर रहेगी, फिशरमैन को पूरा मना है जाने। अहमदाबाद में क्या स्थिति रहेगी? अहमदाबाद में बारिश रहेगी लेकिन फ्यू स्पेल्स बारिश रहेगी लेकिन इंटेंसिटी इतना ज्यादा होने का कोई संभावना नहीं है। अच्छा, अब तक गुजरात में कितनी बारिश हो चुकी है और अभी कितनी डेफिशिएंसी बाकी है? अभी गुजरात में एक्चुअल रेनफॉल 275 मिलीमीटर रेन हो चुकी है, लेकिन होना चाहिए था 373 मिलीमीटर रेन। अभी फिलहाल गुजरात स्टेट एज ए होल देखा जाए तो डिपार्चर -26%, गुजरात रीजियन में -20% और सौराष्ट्र कच्छ के लिए -33% डिपार्चर।